बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई बहनों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखेगा। इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने फिर से धनिया मंगवाई, उनको मैंने अच्छी तरह से देखें साफ़ कर लिया है। थोड़ी देर हम इसको धूप पर रख देंगे ताकि ये थोड़ी, अगर ये गीली होंगी तो ये थोड़ी खुश्क हो जाएंगी। तो फिर हम इसको पीस के रख देंगे। माशाल्लाह इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है, तो गंद इसमें कोई भी कचरा नहीं। इसको थोड़ी देर रखते हैं धूप पे। और किचन की मैंने सफाई कर ली है, बर्तन वगैरह मेरे सारे वॉश कर लिए। तो अभी रहती थी झाड़ू, बस थोड़ा सा ये कचरा है ये मैंने उठाना है। तो साथ साथ में ये बर्तन भी थे कुछ मेले, तो ये रख देते हैं सिंक में। इनको भी थोड़ा साइड पे कर लेते हैं। तो मैंने कहा चलो भाई बहनों के साथ भी शेयर कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, ये देखिए गुड़, ये हमें गुड़ मिला था, इसमें पूरा ड्राई फ्रूट था। ये देखिए मकोड़, इन्होंने तो बहुत तंग किया मकोड़ों ने, देखिए। तो ये देखें इसमें ड्राई फ्रूट, सारा ड्राई फ्रूट होता है। तो ये मेरे हस्बैंड को गिफ्ट मिला था, थोड़ा सा मैंने बस ये ही बचा था तो मैंने यहाँ पर रख दिया। तो ये देखें माकोड़े, ये देखें कैसे घूम रहा है। तो इसको मैं रख देती हूँ किसी और जगह पे। तो ये जो चीनी की और उसकी नाम क्या है, ये पत्ती की चौथी बर्नियाँ थी वो मैंने धो ली अच्छे से, क्योंकि आज हम लेके आएंगे राशन। तो फिर मैंने कहा उसमें हम डाल देंगे। और मैंने इनको देखे अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। ये है हमारे चीनी का चम्मच और ये इसका ढक्कन है, ये रख देते हैं यहाँ पे। और इसमें डालेंगे हम पत्ती। तो ये मैंने अच्छे से वॉश कर लिया क्योंकि मैंने कहा आज हम बनाएंगे सोडा लेके आएंगे, तो फिर ये चीज़ें उसमें डालेंगे। तो ये गुड़ हम इसमें रख देते हैं, पता नहीं कहाँ से रहते हैं। ये देखिए उतर गए, हाँ नहीं देखें ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ये तो इतने जहरीले हैं, काटते भी बहुत जहर थे। तो ये रख देते हैं। बाकी ये भी पड़ी थी वैसे फालतू थी, तो मैंने इसे भी धो लिया। चलो मैंने कहा चलो इसमें हम सरफ़ ऐड कर लेंगे, तो इसमें सरफ़ होगी तो फिर वो ज़्यादा भी नहीं होगी। साथ साथ में ये भी हमारे धुल गए। और मैं आपको जो मैंने सुबह आपको तस्वीर दिखाई थी ये वाली, ये माशाल्लाह से ईरान से हमें गिफ्ट मिला है। थोड़ी सी चीज़ भी थी, मीठी चीज़ें थी, कुछ ख़ास नहीं था, बस कोई गया था, हमारे हमसाए गए थे ईरान, तो वहाँ से ही लेके थे तस्बीह और थोड़ी सी हमारे लिए चीज़ लेके आए। तो मैंने कहा चलो भाई बहनों के साथ शेयर कर लेते हैं और इनको भी कर लेती हूँ मैं साइड पे। और देखें धूप कितनी कड़क है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और कुछ ये सूखी रोटी थी ये मैंने इसमें रखी है, और ये कुछ ये यहाँ पर पड़ी है, ये मेरे हस्बैंड ने ना शापर में ना गीली रोटी रख दी थी। तो ये देखें काफ़ी ये ख़राब हो चुकी है, तो मुझे तो लगता है अभी ये काम की नहीं है, ये तो लेंगे भी नहीं। ये देखिए यहाँ से हरी हरी हो गई है, वैसे तो ये जानवरों को खिलाते हैं मगर ये देखिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो देखेंगे अगर कोई लेगा तो दे देंगे, वरना तो ये ज़ाया ही हो जाएगी, क्योंकि ये गिली थी ना तो हमने इस शापर में डाल दी तो ज़्यादा ख़राब हो गई। और काम भी अभी रहता है, ये देखें झाड़ू वगैरह भी आधे में है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, एसी वाले रूम की मैंने सफ़ाई करके और एसी मैंने चला दी है क्योंकि 12 बजे लाइट चली जाएगी। ये देखें अभी ये 10:30 बज रहे हैं, तो 12 बजे लाइट चली जाएगी, तो मैंने कहा तब तक रूम हमारा कुछ ठंडा हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी से करते हैं काम, फिर मिलते हैं आपसे। अभी खाना भी बनाना है और मेरा बेटा भी आज, आपको पता है बच्चों का पहला दिन है स्कूल में, तो वो भी स्कूल गया है, देखते हैं क्या होता है। अभी मैंने माशाल्लाह से एक काम सारा कर लिया है। अभी मैंने कहा थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, ठंडा पानी पी लेते हैं, मगर इसमें बिल्कुल बर्फ़ जम गई है, देखिए पानी निकल नहीं रहा। और ये ठंडा ठंडा पानी, और माशाल्लाह से देखिए काम सारा मेरा हो चुका है। पानी पी के मैं यकीन करें कि बहुत ठंडक पड़ गई।
गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये तो हमारे सिंध वालों की रोज़ की बातें होंगी, हर यूट्यूबर यही कहता होगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये देखिए कबूतर भी अभी तक दीवार पर बैठे हैं, इनको पूरा दिन खोल लेते हैं फिर आराम से ये बैठे रहते हैं। तो अभी हो रहा है खाने का टाइम, बस अभी सोच रही हूँ कि क्या बनाएं क्या करें। बच्चों की आपको पसंद का अलग से होता है, क्या करें, जो चीज़ हम खाते हैं वो बच्चे नहीं खाते। मेरा आज दिल था बहुत भिंडी बनाने को, तो जो मैं भिंडी फ्राई करती हूँ तो मेरा बेटा खाता है, वरना मेरा बेटा तो कहता है फ्राई में नहीं खानी है, तो मगर पकी हुई नहीं खाऊंगा। तो मुझे फ्राई में दे, आपको पता है वो वैसे भी गर्म होती है और उसके मुंह पे बहुत ज़्यादा दाने निकले, मैंने आपको बताया था। तो वैसा आपको कोई टिप पता हो तो प्लीज़ बता देना। और एक बात आपके साथ और शेयर करनी थी, मेरे वालिद साहब की तबीयत सही नहीं है। उस दिन मैंने आपको दिखाया था वीडियो मैंने बनाई थी, उसका हाथ बिल्कुल सूज गया है। मुझे ऐसे शक हो रहा था कि लगता है कि सांप का कांटा लग जाता है ऐसे, जिससे उसका हाथ सूज गया था और तेरा था अंदर जलन होती है। तो फिर बोल वहाँ उसे दम करवाने लेके गए थे, तो उसने कहा नहीं ये सांप का कांटा नहीं, लगता है उसे फोड़ा निकला है। और फोड़ा भी ऐसा है बहुत ख़तरनाक है, बहुत, अभी तो वो फोड़ा फट चुका है। यहाँ ये हथेली है ना बीच वाली, ये वाली साइड, यहाँ से वो फटा है। तो अम्मी कह रही थी कि बहुत अबू की तबीयत ख़राब है, बस आपने दुआ करनी है। और अबू के पाँव भी बहुत सूज गए हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। मेरी सिस्टर को अभी थोड़े ही दिन हुए, इतने नहीं दिन हुए, मेरे ख्याल में तो 15-16 दिन हो चुके होंगे या इससे थोड़ा ऊपर। तो अबू की तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई है, अम्मी वालों ने भी कराची भी जाना है, क्योंकि आपको पता है बच्चों की स्कूल भी खुल चुके हैं, मैडम के बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, तो उनकी टीचरों के ना मुसलसल मैसेज आ रहे हैं कि प्लीज़ जल्दी में आ जाएं, बच्चों की पढ़ाई अभी शुरू हो चुकी है। तो बस आपने दुआ करनी है, अम्मी के लिए बस अबू ठीक हो जाए तो फिर हमें भी टेंशन नहीं होगी, तो फिर हम आराम से चले जाएँगे। तो आप बहन भाई जो भी मेरा ब्लॉग देखते हैं, प्लीज़ मेरे वालिद साहब के लिए दुआ करना, अल्लाह आपको अपने ज़ुमान में रखेगा। इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग यहाँ पे हम एंड करते हैं, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना और हमें दुआओं में याद ज़रूर रखना। जिस भाई बहन को मिला थोड़ा सा भी व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, ताकि जल्द जल्द से मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएँ। तो इंशाल्लाह आगे देखेंगे क्या होगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।